हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर पोइट्स एंड पैनकेक्स की, जिसको लिखा है तमिल राइटर अशोका मित्रन ने। ये एक अकाउंट है उसके उन दिनों का जब वो जॉब करते थे जिमेना स्टूडियो के बीच में, जो चेन्नई में है, और ये सेटअप हुआ था 1940s में। तो डेट्स जो हैं या प्लेसेस के जो नेम है ये आपको याद रखने हैं अच्छे से। तो एक मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन थी इंडिया में उस समय में, जो अच्छी मूवीज़ जो है प्रोड्यूस कर रही थी। और जो हमारा राइटर है अशोका मित्रन, इनका काम है यहाँ पे कि न्यूज़पेपर क्लिप्स को या न्यूज़पेपर क्लिपिंग को कट करना ऑन अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक, जो आपको लगता है कि टॉपिक जो है वेल इन्फॉर्म कर सकते हैं किसी भी इंसान को, और उनको सेव करना एक फाइल के बीच में, उसको संभाल के रखना। ऑल्दो सब ये समझते थे कि इनकी जॉब जो है दैट इज़ क्वाइट इनसिग्निफिकेंट, आप ये बोल सकते हो कि वो इतना इम्पोर्टेंट काम नहीं कर रहे थे, बट फिर भी हमारे राइटर जो हैं अशोका मित्रन वो वेल इन्फॉर्म्ड होते थे हर चीज़ के प्रति और हर एक के प्रति कि जिमेना स्टूडियो में जो काम करने वाले लोग हैं ये कैसे लोग हैं या फिर इनका काम जो है वो कैसा है। पोइट्स एंड पैनकेक्स चैप्टर जो है ये हमें या हम सब रीडर्स को एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन देता है डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स की जो इस स्टूडियो में काम कर रहे हैं। ये बात करता है, मतलब ये चैप्टर के थ्रू हमारी बात जो है यहाँ तक समझ आती है हमें कि लोग जो हैं कितने हाई ड्रीमर्स होते हैं, कितना हाई ड्रीम रखते हैं, कितनी हाई उनकी एस्पिरेशंस होती हैं, फेलियर्स होते हैं कुछ लोगों के बीच में, वर्चूज होते हैं, गुण होते हैं और अवगुण भी होते हैं, वाइसेस भी होते हैं। तो ये सब कुछ जो है ये ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए परफेक्टली बोला जा सकता है। और ये जो कैरेक्टर्स हैं, अगर फिल्म के जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे जो जिमेना स्टूडियो में काम करते हैं, वो उस टाइम फिल्म प्रोड्यूसिंग जो वर्ल्ड था इंडिया का, ये उसका मतलब एक आईना थे। तो अगर हम ये बोलें कि 20th century जो है इसमें राइटर्स का स्ट्रगल जो है वो देखने को मिला, क्योंकि अशोका मित्रन ने अपनी राइटिंग के थ्रू ये बताया है कि किस तरीके से स्ट्रगल जो है एज ए राइटर जो है उसके टेन्योर में उसने जिमेना स्टूडियो पे देखा है। पोइट्स और पैनकेक्स जो है ये इसकी समरी जो है वो हमें एक इनसाइट व्यू देती है, मतलब गहराई तक हम देख सकते हैं कि ऑथर का पर्सपेक्टिव, उसका जो विजन है वर्ल्ड के प्रति और सोसाइटी के प्रति, जो उसके आसपास लोग रहते हैं 90s में, तो वो कैसे लोग थे। इसके साथ साथ लोग जो हैं उनके एक्शंस, उनके रिएक्शंस जिमेना स्टूडियो में, ये हमें इंडिकेट करते हैं कि सिंपल माइंडसेट के लोग थे उस टाइम, ब्लिसफुल थे वो लोग, खुश रहते थे। पॉलिटिकल मैटर्स के प्रति उनकी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देखे गए, वो इग्नोरेंस जो है वो दिखाया है उन्होंने यहाँ पे कि डी पॉलिटिकल मैटर्स के बीच में उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसीलिए जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को रीड करके इस चैप्टर का ग्रास्प जो है वो समझ सकते हैं। और इसी के साथ साथ ये जो समरी है ये बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे सकती है आपको आपके एग्ज़ाम्स के लिए। अभी तो मैंने बात की थी मतलब शॉर्ट समरी के बारे में, अगर हम डिटेल की बात करें तो नरेटर यहाँ पे बात कर रहे हैं एक पॉपुलर मेकअप ब्रांड की, जिसका यूज़ किया गया है यहाँ पे पूरे चैप्टर में, जिसका नाम है पैनकेक। और नरेटर जो है उनका ये विचारधारा बन चुकी है कि ये पर्टिकुलर ब्रांड जो है मेकअप का, ये शायद उन पुराने जो एक्ट्रेस एक्टर होते थे प्रोमिनेंट सिनेमा, मतलब जब उनका टाइम था एब्रॉड में इंडिया में, तो शायद उनके ऊपर भी इसी ब्रांड को यूज़ किया जाता होगा। मेकअप ब्रांड जो है पैनकेक, वो जिमेना स्टूडियो के मेकअप डिपार्टमेंट के द्वारा यूज़ किया जाता है, जो अपस्टेयर्स पे एक बिल्डिंग मतलब है, और सपोजली उसको ऐसा बोला है कि रॉबर्ट क्लाइव का स्टेबल्स जो है, मतलब तो यहाँ पे घोड़े बांधे जाते हैं या घोड़े रखे जाते हैं, वैसा शेड जो है ये बनाया गया है। एक्चुअली जो हमारे राइटर हैं यहाँ पे अशोका मित्रन, उन्होंने यहाँ पे इनका काफ़ी मजाक भी लिया है, तो वो एक सटायर या फिर एक मॉकिंग वे में भी ऐसा बोल रहे हैं। आगे इस चैप्टर में बात करते हैं मेकअप रूम की, तो वो कहते हैं कि मेकअप रूम जो है वो ऐसा लगता है जैसे कोई हेयर कटिंग सैलॉन हो, यहाँ पे लाइट्स ही लाइट्स जो है ऑल ओवर द एंगल्स पे यूज़ हुई है, हाफ दर्जन लाइट्स जो है यूज़ हुई हैं मिरर्स के ऊपर, तो लाइट्स जो हैं वो इनकैंडेसेंट हैं। और जो पोइट है वो कमेंट करते हैं
कि जो डिग्री है मतलब इस चैप्टर में जो बता रहे हैं वो ये सीन जो बता रहे हैं कि जब एक्टर या एक्ट्रेस तैयार होते हैं, तैयार करने के टाइम पे उनके मुंह पे जो हीट पड़ती है, बहुत ज़्यादा जो लाइट और हीट इकट्ठी पड़ती है, उसके कारण कभी कभी वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो नरेटर यहाँ पे बात करते हैं कि मेकअप डिपार्टमेंट की एक क्रोनोलॉजिकली देखा जाए तो एक हायरार्की थी कि जैसे पहले जो है इसको इसका हेड था वो एक बंगाली था जिसको सक्सीड किया एक महाराष्ट्रियन ने, उसके बाद एक धारवाड़ आया जो कन्नड़ से था, और उसके बाद आंध्रा में, फिर मद्रास में, फिर इंडियन क्रिश्चियंस जो हैं या फिर एंग्लो बर्मीज जो हैं, उसके बाद लोकल तमिल्स जो हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से एक मिक्सचर जो है यहाँ पे पाया जाता था जिमिनी स्टूडियो में। और नरेटर यहाँ पे एक और बात हमें बताते हैं कि जो अर्ली कंसेप्शन है हमारा नेशनल इंटीग्रेशन का, वो मेकअप डिपार्टमेंट जो है जिमिनी स्टूडियो का, इसमें ये सब लोग जो है ये रहते हैं। और लेटर अगर हम ये बात करें तो ये प्रोमिनेंट फीचर बन गया है, बन जाता है, प्रोग्राम जो है लाइक ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं AIR और दूरदर्शन पे। तो सेम इनका भी यही काम है कि ये सब लोग मिक्स होके यहाँ पे इस तरीके से एक ग्रुप जो है वो तैयार हो जाता है कि हमें नेशनल इंटीग्रेशन जो है वो देखने को मिल जाती है, और बाद में ये AIR की तरह या दूरदर्शन की तरह ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, लाइक जैसे फिल्में बन जाती हैं या फिल्में बनाने के बाद उनको टेलीकास्ट किया जाता है, ब्रॉडकास्ट किया जाता है। आगे वो बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव है इन लोगों का जो मेकअप करते हैं, इनका मेन उद्देश्य है कि जो एक्टर हैं या एक्ट्रेसेस हैं उनको जो अपीयरेंस दी जाती है उसको डिस्टिंग्विश करना, उसको डिफरेंट बनाना मेकअप के थ्रू। और इसीलिए नरेटर यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक यहाँ पे ना वो एक लाइन यूज़ हुई है जिसका नाम है हीडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर, ये चैप्टर में भी लाइन यूज़ हुई है, अगर कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो इसका मतलब ये है कि वो हीडियस क्रिम्सन से ये बोलना चाहते हैं कि उनको इतना ज़्यादा लाल पेंट जो है, लाल मेकअप जो है उनको लगा दिया जाता है कि वो अच्छे भले मनुष्य को, अच्छे भले मानव को मॉन्स्टर बना दे, तो इतना ज़्यादा भद्दा बना देते हैं वो एक एक्टर और एक्ट्रेस को। तो इनका कहने का मतलब है कि ये मेकअप जो है ये अच्छा यूज़ नहीं होता, ये बहुत ही ज़्यादा पेंट की तरह लगाया जाता है, और जो एक्टर और एक्ट्रेस है ऐसे उनको लगता है कि हम ड्रामा में जो हमारा आउटलुक है, हम बहुत प्रोफेशनल लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो बहुत गंदे बना के उनको बाहर भेजते हैं। और अगर उन दिनों की बात की जाए तो इंडोर शूटिंग हुआ करती थी और मेकअप जो है उसको बहुत ही ज़्यादा अगली बना दिया जाता था मेकअप करने के बाद कैरेक्टर्स को। वो अपने आप को सोचते थे कि हम बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहे हैं मूवीज़ के लिए, बट उनकी प्रेजेंस जो है वो ऐसा लगता था जैसे सिर्फ स्टूडियो लाइट्स में उनके चेहरे या फिर वैसे ही वो नंबर्स जो हैं वो दिख रहे हैं कि वो स्टेज पे काम कर रहे हैं, अदरवाइज़ उनकी जो ब्यूटी होती थी रियल ब्यूटी वो नहीं दिख पाती थी। तो मेकअप जो डिपार्टमेंट है ये एक स्ट्रिक्ट हायरार्की को फॉलो करता है, जैसे चीफ मेकअप मैन जो है वो प्रिंसिपल एक्टर और एक्ट्रेस, जो मेन एक्टर और एक्ट्रेस है उनका मेकअप किया करते थे, सीनियर असिस्टेंट है चीफ मेकअप मैन के बाद तो वो सेकेंड हीरो या फिर सेकेंड हीरोइन जो है उनका मेकअप किया करता है। मेकअप डिपार्टमेंट जो है उनके पास एक ऑफिस बॉय भी है जिसका नाम आता है इस हायरार्की में लास्ट में। तो ये ऑफिस बॉय जो है ये मेकअप यूज़ करता है या मेकअप करता है लेस सिग्निफिकेंट एक्टर्स, जो जिनका नंबर इतना काउंट में नहीं आता ये उनका मेकअप करता है। और जो लार्ज ग्रुप पीपल हैं, जब क्राउड मेकअप करना होता है या क्राउड शूटिंग होती है तो उसके लिए क्राउड पीपल चाहिए, हमें ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो क्राउड में हो। तो नरेटर मेंशन करते हैं कि जो ऑफिस बॉय है वो मेकअप डिपार्टमेंट का एक एक्चुअली बॉय नहीं है, वो 40 इयर्स का एक ओल्ड मैन है जिसको बोला गया है कि वो स्टूडियो में एंटर उसने इसलिए किया था कि वो एक स्टार बन जाएगा या फिर वो टॉप स्क्रीन राइटर बन जाएगा या फिर वो कभी डायरेक्टर बन जाएगा या फिर अगर ये सब नहीं बना तो लिरिक्स जो है वो लिखने के काम करेगा, वो लिरिक्स राइटर बन जाएगा। लेकिन जो ऑफिस बॉय है वो अभी उसके बीच में पोइट वाला एक लय है, कवि वाला एक लय है, तो उसकी वजह से उसको एक पोइट जो है छोटा मोटा वो मान सकते हैं। नरेटर जो है यहाँ पे आगे हमें बताते हैं कि जो नेचर है काम की उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे डिफरेंसेस जो है वो क्रिएटेड हैं, जैसे कि उसका काम जो है यहाँ पे न्यूज़पेपर क्लिपिंग को काट के उनको संभाल के रखना है जो वाइड रेंज इन्फॉर्मेशन को कवर करती हैं, और उसके काम को बहुत ही ज़्यादा
मिनिमल इंपॉर्टेंस दी जाती है सभी के द्वारा, इसीलिए जो उसका क्यूबिकल है, क्यूबिकल मतलब उसका जो ऑफिस है, उसमें रैंडमली बात करने के लिए कोई ना कोई पहुंच जाता है। तो बात क्या होती है कि जैसे उनकी चिंताएं क्या हैं, जो लोग उसके ऑफिस में आएंगे वो उसको ये बताएंगे कि वो किस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उनकी ओपिनियंस जो हैं वो क्या हैं बाकियों के प्रति। जैसे ऑफिस बॉय की हमने बात की, मेकअप डिपार्टमेंट का जो ऑफिस बॉय है वो फ्रिक्वेंटली इसके पास आते रहता है ताकि वो अपनी ज़रूरतों के बारे में सुना सके, ताकि वो नरेटर को इनलाइट कर सके कि भाई मेरे में कितना टैलेंट था और इन लोगों ने मेरा टैलेंट जो है वो वेस्ट कर दिया, ये जो जगह है ये तो बार्बर्स और पर्वर्ट्स की है, बार्बर तो हो गया नाई और पर्वर्ट्स कौन होते हैं, जो गुमराह या गुमशुदा लोग होते हैं, ये डिपार्टमेंट जो है ये उनके लिए फिट है, बट मेरे जैसा जो टैलेंटेड इंसान है वो भी यहाँ पे अपने आके टाइम वेस्ट कर रहा है, तो सोचो ये लोग क्या से किसी को क्या बना देते हैं। फिर उसके बाद वो कंसिडर करता है सुबू को, तो सुबू को एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस पूरे चैप्टर में। सुबू जो है ये नंबर 2 पे आता है जिमिनी स्टूडियोज़ में, तो ये एक ड्राइविंग फोर्स है जो मतलब कंडीशन करती है एक वर्क प्लेस को। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बात करना चाहती हूँ, हर एक डिपार्टमेंट में, इट्स नॉट अबाउट दिस चैप्टर, बट यहाँ से अगर हम कुछ लाइन्स उठाएं तो हम ये बात कर सकते हैं कि जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम लोग टीचर हैं, हम भी किसी भी डिपार्टमेंट में जाएंगे तो हमें उनकी बातें सुनने को मिलेंगी, और हम जैसे टीचर हैं तो हम भी अपने डिपार्टमेंट में बैठेंगे तो हमें भी कई लोगों के रोने या कई लोगों की तकलीफ जो है वो पता चलती है कि भाई वो देखो वो कितना शाइन कर रहा है आजकल या कितना शाइन कर रही है, बट बाकियों को चाहे वो पूरा काम कर रहे हैं लेकिन उनकी तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो दिस इज़ व्हाट द कैरेक्टर ऑफ दिस ऑफिस बॉय, जो आके हमेशा रोने रोते रहता है कि ऐसा हो गया, और दूसरों से जेलस फील करता है। अब नरेटर के अकॉर्डिंग अगली जो बात हो रही है वो सुबह के बारे में हो रही है कि सुबह एक ऐसा इंसान है जिसको इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं मिला जब वो इस कंपनी में या इस फिल्म प्रोड्यूसिंग डिपार्टमेंट में आया था। बिगिनिंग में उसके करियर में कोई भी ऐसी ग्रोथ देखने को नहीं मिली, लेकिन नरेटर को विचार उसके मन में ये आते हैं सुबह के प्रति कि सुबह जो है ये बेशक इसको ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है, फॉर्मल एजुकेशन इसने नहीं ली, बट इसका लेवल जो है ऑफिस बॉय से वो काफ़ी ऊपर है। क्यों? क्योंकि उसके मन में कहीं ये भी था कि सुबह जो है वो बाय बर्चू या उसकी कास्ट जो है वो एक ब्राह्मण है, तो शायद उसकी वजह से ही वो बहुत ही ज़्यादा एफ्लुएंट है, सिचुएशंस जो हैं या लोगों के प्रति वो बहुत ज़्यादा उसको उसके बीच में उस चीज़ का एक्सपोजर है, वो हमेशा ही खुश रहने वाला इंसान है, और उसको एकदम से बहुत ज़्यादा काम मिल जाए वर्क प्लेस पे, और वो हर इंसान को खुश रख सकता है, हर एक इंसान का फ्रीक्वेंटली असाइंड वर्क जो है उसको कंप्लीट करा सकता है, तो इतना टैलेंटेड है वो। नरेटर आगे बात करते हैं कि सुबू जो है वो परफेक्टली सूटेड है फिल्म्स के लिए, उसकी जो मतलब उसकी जो स्पॉन्टेनिटी है थिंकिंग की, कि उसके एक टाइम पे कितने विचार उसके मन में आते हैं तो वो उसकी तारीफ़ करते हैं, और उसके बाद वो ये बात बोलते हैं कि उसके पास एक प्रॉब्लम के वैरायटी ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, तो मतलब इसके बीच में एक सिनेमैटिक प्रॉब्लम को कैसे प्रेजेंट किया जाए और कैसे उसके सॉल्यूशंस को रखा जाए, सुबू को ये सब आता है। और सुबू जो है वो मतलब एज ए पोइट की तरह बात की जाए या फिर एज ए नॉवलिस्ट की बात की जाए या फिर उसका लिटरेरी अचीवमेंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा है, और उसकी सक्सेस स्टोरी जो है इस वर्ल्ड में वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि उसके बिना कोई काम नहीं चल सकता। अगर किसी एक्टर को या किसी एक्ट्रेस को उसका रोल जो है वो प्ले करना नहीं आ रहा, तो सुबह उसको एक चीज़ जो है वो चार तरीके से सिखा सकता है, तो वो बहुत ही टैलेंटेड है, और वो कभी भी ये एस्पायर नहीं करता कि उसको कोई लीडिंग रोल दिया जाना चाहिए या वो लीड एक्टर के रोल में सामने आए, उसको जो काम मिले वो उसके बीच में अपने आप को अच्छे से फिट कर लेता है। और उसके बाद वो कहता है कि वो जेन्युइनली केयर भी करता है लोगों की, उसके अपने घर की परमानेंट रेजिडेंट्स जो हैं बहुत सारे लोग या उसके जो रिलेटिव्स हैं, उसके जो जान पहचान के लोग हैं, वो सबके केयर करने वाला लड़का है, और सुबह जो है उसके बहुत ज़्यादा एनिमीज़ भी हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो सबके लिए काम करता है, कुछ लोग जेलस फील करते हैं इसलिए उसके कुछ एनिमीज़ भी होंगे। सो ये इसलिए क्योंकि उसके क्लोज रिलेशनशिप होते हैं बॉस के साथ, और बॉस जिसके साथ अच्छा होता है उसके साथ सारे के सारे जेलस फील करते हैं, सो दिस इज़ वेरी नेचुरल। तो उसको समझा जाता है कि उसकी नेचर जो है वो सीकोफेंट की तरह, सीकोफेंट होते हैं जो तलवे चाटने वाले लोग होते हैं, लेकिन हमारे नरेटर जो हैं वो सुबह के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कहते, वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि सुबह जो है एक अच्छा लड़का है, लेकिन ऑफिस बॉय को उसकी अच्छाई जो है वो अच्छी नहीं दिखती, उसको गुड फॉर नथिंग लगता है वो,
तो ऑफिस बॉय उसे बहुत ज़्यादा जेलस फील करता है। अब हम बात करते हैं कि सुबू को ये भी देखा जाता है कि सुबू कभी अटेंडेंस रोल लेके आता है बॉस के लिए, कभी वो ग्रुप में काम करता है स्टोरी डिपार्टमेंट के लिए, कभी वो लॉयर्स के साथ बैठा होता है उनकी असेंबली में, उनकी राइटिंग्स में उनकी हेल्प करता है, पोइट्स की हेल्प करता है। तो लॉयर्स जो हैं ये एक लीगल एडवाइज़र का रोल प्ले कर रहे हैं इस जिमिनी स्टूडियो में। बट बहुत सारे लोग जो हैं उनको देखा गया है कि ये लोग सिर्फ मतलब कुछ काम नहीं करते, बस फ्री होते हैं और दिखाते हैं कि वी आर वेरी बिजी बट दे आर डूइंग नथिंग। उसके बाद नरेटर बात करते हैं एक ऐसे एग्जांपल लेके कि यहाँ पे लॉयर्स जो हैं उन्होंने एक एक्ट्रेस का करियर ही जो है वो ख़राब कर दिया था या फिर करियर ख़त्म कर दिया था। हुआ क्या था, एक छोटा सा इंसिडेंट है कि एक लेडी एक्ट्रेस है उसकी किसी बात से बहस हो जाती है, जो कैमरामैन है वो लॉयर और उस एक्ट्रेस के प्रति अपना कैमरा घुमा के वीडियो जो है वो बना लेता है। बाद में वो वीडियो जो है उस लड़की को दिखाई जाती है जो एक्ट्रेस है, और लॉयर उसके साथ कैसे बदतमीजी कर रहा है और वो उसको कैसे क्रॉस आंसर्स दे रही है, और उसके बाद वो डिसाइड करती है कि मैं अब इस डिपार्टमेंट में काम नहीं करूँगी। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि किस तरह से एक लॉयर ने एक एक्ट्रेस का करियर जो है वो एंड कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए तो बॉस जो है वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये स्टोरी डिपार्टमेंट जो है, मतलब लॉयर वाला डिपार्टमेंट, ये हमेशा इनकी जॉब जो है ये लॉस्ट रहते हैं, ये कोई काम नहीं करते, तो इसलिए इसको क्लोज कर देना चाहिए। तो इसलिए जो लॉयर है वो भी अपनी जॉब से बर्खास्त हो जाता है। आगे जिमिनी स्टूडियो जो है इसमें एक फेवरेट प्लेस है पोइट्स के लिए, और ये यहाँ पर एक एक्सेलेंट मेस है जो इनको बहुत अच्छी कॉफ़ी बना के देती है थ्रू आउट द डे। और ये जो है उस टाइम की बात है जब कांग्रेस रूल कर रही थी, और बहुत सारे लोग जो हैं स्टूडियो में वो खादी और गांधी जी के वो बहुत ज़्यादा फ़ैन थे, उनकी पूजा किया करते थे, और इवन उनको इतना ज़्यादा इंक्लाइनेशन नहीं था कि वो पॉलिटिकल पार्टीज़ ज्वाइन करें या मतलब पॉलिटिकल में इसको उनको इतना इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी वेंट विद द फ्लो। जैसे जैसे कोई बात होती है तो लोगों के मन में विचार आते हैं, तो इस तरीके से वो फ्लो में उनके साथ इन्फ्लुएंशियल फील करते थे कि गांधी जी जैसा कोई नहीं है। इसीलिए लेकिन वो लोग उस टाइम कम्युनिज्म के खिलाफ थे, और नॉर्म्स और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल माइंडसेट जो है वो मेजॉरिटी का ये बना हुआ था कि कम्युनिज्म जो है वो नहीं होना चाहिए। ये जो थॉट्स थे ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट थे, लेकिन खादी के प्रति उनका मानना था कि खादी जो है वो गांधी जी बोल रहे हैं कि खादी पहनो यूज़ करो, तो खादी को यूज़ करना चाहिए। अब उसके बाद जो है बात आती है फ्रैंक बकमैन्स मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी की। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, इसको MRA करके बोला है चैप्टर में। और यहाँ पे 200 लोग जो हैं स्ट्रॉन्ग मैन जो हैं ये दो प्लेस मतलब दो ड्रामास जो हैं प्रोफेशनल मैनर में करने के लिए आते हैं, और इस प्ले के थ्रू जो लोगों की नेचर है उनको दिखा के उनको मतलब एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन उनके ऊपर डालना है इन्होंने ऑन तमिल प्लेस। तो कुछ साल के बाद जो तमिल प्लेस हैं उनके बीच में भी एक सीन आता है सनराइज और सनसेट का, जिसको फॉलो किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है इस आर्मी वाले ड्रामा में। नरेटर जो है यहाँ से लर्न करता है कि कुछ सालों के बाद ये जो काउंटर मूवमेंट है इंटरनेशनल कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब होगा। और कुछ समय या कुछ महीनों के बाद एक गेस्ट यहाँ पर जिमिनी स्टूडियो में और आता है जिसका नाम है इंग्लिश एडिटर है, ये लंदन से आए हैं, और ये लोग हैं यहाँ पे वो ये चाहते नहीं हैं कि हम किसी को सुने, क्योंकि उनको ये लगता है कि जो भी यहाँ पे आता है अपनी भाषा बोल के चला जाता है, बट वी आर नॉट दैट मच गुड इन इंग्लिश, सो हमें समझ नहीं आती कि ये क्या बोलना चाहते हैं। इसीलिए वो अपने बॉस को इस चीज़ से दूर रहने के लिए बोलते हैं कि हमें किसी के बारे में कुछ नहीं सुनना, बट स्टिल उनको थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है सिंस वो बहुत ज़्यादा लंबी स्पीच देते हैं स्टूडियो में आके, और इसलिए पब्लिक जो है या लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा बेफल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्योंकि वर्ड्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम के। अब नरेटर जो हैं वो कन्फेस करते हैं कि जो प्रोज राइटिंग है उसको सही तरीके से यूज़ नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर कोई पेशेंट है मतलब जिसके बीच में पेशेंस है या फिर परसिस्टेंटली कोई एफर्ट्स कर रहा है तो वो फोर्सफुली इन चीज़ों को रिजेक्ट कर देगा, लेकिन किसी के भी मतलब दिल में वो बात नहीं पड़ सकती जो सुनाई दे रही है या फिर सुनाई मतलब दी जानी चाहिए। तो नरेटर जो है वो अनाउंसमेंट करते हैं
मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई अनाउंसमेंट हुई है एक स्टोरी कॉन्टेस्ट की, जिसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्रिटिश पीरियोडिकल, जिसका नाम था इनकाउंटर, वो द हिंदू में पब्लिश हुआ है। नरेटर चाहते थे कि इस पीरियोडिकल का हिस्सा वो बने, तो इसीलिए वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट भेज देते हैं। उसके बाद उनको ये पता चलता है कि जो एडिटर है यहाँ पे, वो स्टेफन स्पेंडर हैं, सेम वही एडिटर है जो कभी जिमिनाई स्टूडियो में आए थे, और उनको एक इंस्टेंट कनेक्शन जो है वो बनना स्टार्ट हो जाता है कि स्पेंडर के साथ वो मिल चुके हैं, और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं ताकि वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट, अपना हस्तलेख जो है वो उनको भेज सके। कुछ सालों के बाद नरेटर जो है वो जिमिनाई स्टूडियो से बाहर निकल जाते हैं, मतलब अभी वो यहाँ पर जॉब नहीं करते, उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, बट वो ये चीज़ रियलाइज़ करते हैं कि कोई भी चीज़ जो है जिसका प्राइस रिड्यूस्ड है वो उसकी अटेंशन सीकर बन जाते हैं। लाइक जिसके पास पैसे नहीं होंगे, अगर उसको कोई सस्ते दाम में चीज़ मिल रही है तो ऑब्वियसली वो अटेंशन देंगे उस चीज़ को। तो ऐसा ही इस टाइम पे अशोका मित्रन का स्टेटस है या फिर पोजिशन है। तो एक बार उनको क्या मिलता है, कुछ लो प्राइजेस बुक्स जो है बच्चों के लिए रखी गई हैं, 50 पैसा ईच जो है। उसका कनेक्शन जो है वो इसलिए है क्योंकि रशियन रेवोल्यूशन को 50 वर्ष हो चुके हैं, और वो 50वीं जो है अपनी एनिवर्सरी को मनाते हुए सब बुक्स के प्राइसेस को लो कर देते हैं। एक बुक जो है हमारे अशोका मित्रन भी खरीद लेते हैं, और उस बुक का टाइटल होता है द गॉड दैट फेल्ड, और इसके ऑथर होते हैं 6 एमिनेंट मैन, मतलब 6 इम्पॉर्टेंट लोग, जिनके बीच में वो बात करते हैं कि उनकी जर्नी जो है वो कम्युनिज्म के प्रति कैसी रही, और मतलब किस तरीके से उन्होंने ये काम जो है लिखा। और इसमें नाम होता है स्टेफन स्पेंडर का, जो पोइट होते हैं, और उन्होंने एक बार जिमिनाई स्टूडियो को विज़िट किया होता है। नरेटर को फिर से रियलाइज़ होता है कि इसीलिए वो यहाँ पे आए थे, स्टेफन स्पेंडर यहाँ पे जिमिनाई स्टूडियो में आए थे, ताकि वो लोगों को जो कन्फ्यूज हुए थे, लोग बेफल्ड हुए थे, उनका रिएक्शन का पता चल सके। और वो जो बॉस है यहाँ पे जिमिनाई स्टूडियो का, उसको इनके साथ कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ अपने ही व्यूअर्स को देख रहे थे, और अपने व्यूज जो उनके कम्युनिज्म के प्रति थे वो बस उसी में बिजी थे। तो ये है हमारा पोइट्स एंड पैनकेक्स का चैप्टर। आई होप सो आपको समझ आया होगा, मैंने बहुत इजी तरीके से बोला है, बट फिर भी अगर आपको समझ नहीं आया तो आप 2 बार इस चैप्टर की समरी को सुन सकते हैं, आपको अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो भी मैंने कवर करने की कोशिश की है। स्टिल इफ़ देर इज़ एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट, यू कैन गिव योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स, और यू कैन राइट एनी मैसेज और ड्रॉप योर मैसेज इन कमेंट बॉक्स, सो दैट आई मे सी इट लेटर, और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद इट। थैंक यू।